सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। और आज हम लोग फिर से खेलने वाले गैरेना फ्री फायर मैक्स, और करीबन 15 मिनट का मैच चलने वाला है। और आज हम लोग BR रैंक्ड खेलने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि पूरा फुल मैच होने वाला है इसमें। और इसमें कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है आज, ना कोई मैं एडिट करने वाला हूँ इसमें ज़्यादा, पूरा फुल मैच देखने वाले हो आप। तो चलिए गाइज फिर हम बढ़ते हैं आगे और सामान इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हमारा यही काम है, और धीरे धीरे करके जैसे ही दुश्मन आएंगे हम सबको भाई मार गिराएंगे बस, ठीक है, क्योंकि जल्दी से तो मैं मरने वाला हूँ नहीं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम टारगेट फिक्स करते हैं अपना कि हमको उतरना का है। और हाँ गाइस, एक बात मैं बता देता हूँ कि जल्दी जल्दी में आप ऐसी जगह पर कभी मत उतरा करो जहाँ पर बहुत सारे लोग उतरते हैं। कम से कम ऐसा मान के चलो कि 60 मीटर तक की दूरी पर तो कोई हो ही नहीं। जब शुरुआत में आप लोग कोई भी गन्स या फिर कोई भी अपना सामान इकट्ठा करने लगते हो तो करीबन ये ध्यान रख लेना कि 50 से 60 या 70 मीटर की दूरी तक कोई ना हो, और वहाँ पर गन्स अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल जाए। नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के पास कुछ हो नहीं और साइड से आके कोई बंदा आपको मार गिराए। तो इसीलिए आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा मतलब ऐसे ही जगह को खोजना जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम बंदे हों एक बिल्डिंग में। फिर जैसे ही आप लोगों के पास मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं तब लोग आप लोग मतलब जाओ और जंग छेड़ दो बस पूरी तरीके से। बस मैं तो यही कहता हूँ कि बस मतलब टूट पड़ो एकदम उस टाइम पे। तो अभी तो बस मुझे सामान इकट्ठा करना है और जैसे तैसे करके बस मिल जाए। और अभी लेवल 3 का बैग मिला है ना मुझे, नहीं ये लेवल 2 का बैग है। और मुझे कार 98K मिल गया, और मैंने इसकी स्किन ले ली है क्या? वाओ गाइस, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे स्किन मिल गई। और उस गन का नाम क्या है ये इतना खास मुझे ध्यान में नहीं है, बट यस एक गन की स्किन तो मैंने हासिल कर ली है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर रिपेयर किट है और हेलमेट लेवल 2 है या फिर 3 पता। और वो रहा, इसको पूरी तरीके से मारना है। और यार इसकी इसका मतलब इम्पैक्ट बहुत ही कम है, बस मात्र इतना ही, बहुत कम है गाइस। इस बंदूक को बदलने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक और बंदा आया है और काफ़ी छोटा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, और ये बंदा भी मर जाएगा। कार 98 निकाली है इस बार, सही है। और दूसरा बंदा बिल्डिंग के अंदर है, चलिए कोई बात नहीं है। एक बंदा आया इधर से और ये हेडशॉट मार के हमने कर दिया इसका काम तमाम। और ये बंदा है इधर, चलिए ये भी मर गया है। लेकिन यार है ना, इसके मतलब इम्पैक्ट बहुत ही कम है, मुझे इस बंदूक को बदलने की ज़रूरत है। तो एक डब्बे के पास मुझे जाना है और इस बंदूक को पहले मुझे बदलना है, क्योंकि अगर नहीं बदलते हैं तो फिर बढ़िया नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा यार उतना। तो चलिए गाइस फिर इस बंदूक को हम पहले बदलते हैं, फिर हम अगला कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तो कोई है नहीं। ओ यहाँ पर है पर दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला आ रहे हो भाई? ओ ये रहा, ओके इसको हम हेडशॉट नहीं लगा, बिल्कुल सर पे मारा यार, पता नहीं भाई कैसे ही, पर कोई बात नहीं, हमने मार तो गिराया है सही, लगना तो चाहिए था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हेडशॉट, पर नहीं लगा है। चलिए यहाँ से हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, और बंदूक बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें बंदूक बदलने की ज़रूरत है गाइस। बंदूक उठा लेते हैं कोई सा, कोई है M4A1, ओके ठीक है, बंदूक भी काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड हमें देखना ये है कि और बंदे आते कहाँ से है, क्योंकि पूरा मैच जो जीतना है हमें। तो यहाँ पे पूरे तरीके से एमोस वगैरह हमें ले लेने हैं। यहाँ पर तो कोई आया नहीं, इसको खा लेते हम पहले। ओके इसको पूरी तरीके से खा लेते हैं हम लोग, तो यह काम यहाँ पे हो गया है। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि सामने से और कौन कौन बंदा आने वाला है। और यहाँ से तो कोई आ रहा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही आ जाता है तो हम लोग उसको बिखेर के रख देंगे। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो कोई आया नहीं है फ़िलहाल अभी। अभी और कौन बच रहा है यार, पूरा मैदान घूम चुका हूँ मैं, पर फ़िलहाल कोई और मिल रहा नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके हम निपटा तो देंगे सबको एक्चुअली में।
ओ बहुत जल्दी मरा है, रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी भारी है P90 के मुकाबले। लेवल 3 वाले वेस्ट में भी स्किन आ गई है लगता है। चलो काफ़ी कुछ मिलता जा रहा है हमें एज ए प्राइज, या फिर इसी के लेवल 3 वेस्ट में शायद स्किन होगी जिसको मैंने अभी अभी मारा है। और अभी हम पूरा मैदान घूम रहे हैं पर अभी भी कोई मिल नहीं रहा है हमको। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके तो मिल ही जाएगा। और वहाँ पे एक बंदा है, वहाँ पे एक बंदा है, बस मर जाए एक शॉट में। ओ भाई बिल्कुल ओपी हेड शॉट, चलो बहुत बढ़िया यहाँ पे। और आगे बढ़ना चाहिए फिर से हमें। वहाँ पे एक और बंदा है और एक बार मर जा। हाँ एक शॉट लगा पर मरा नहीं अभी तक। दूसरा शॉट और मारना है और ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। एंड अभी हम क्या लेके जाएं? फ़िलहाल तो हम कुछ लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि बंदे भी कम ही बच रहे हैं। मेरे ऊपर एक ड्रोन है जिससे औरों के पास मेरी लोकेशन एक्सपोज हो सकती है। बंदा तो यहीं है पर दिख नहीं रहा है। वो रहा ऊपर। 60 यार, एक बार में इतनी ही हेल्थ खत्म करता है। अरे दो बार मार दिया यार, अब तो मर जाना चाहिए था इसको। चलो बच गया है, ऊपर चलते हैं। हो सकता है कि वो बंदा मिल जाए और हम उसको प्रॉपरली ख़त्म कर दें एक टाइम पे। एंड कहाँ पे हो भाई आप? डेंजर जोन आ चुका है, यानी कि इधर अगर हम ज़्यादा देर खड़े रहें तो मारे जाएंगे। पर कोई बात नहीं, हमें तो बंदा ख़त्म करना ही है। अभी तक तो कोई आया नहीं है ना, जब तक कोई ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। मैं सोच रहा था कि इधर एक दो बंदे तो मिलेंगे जिनको हम मारेंगे, पर कोई मिल रहा नहीं है, कोई भी नहीं मिल रहा है गाइस, कोई भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक यूएवी है, एक एआर है, यूएवी भी ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और एसवीडी का क्या करूँ, मेरे ख्याल से सही बंदूक होगी, बदल लेते हैं इसको, मेरे को लगा। ठीक है, पर ठीक है जैसा भी है, रिपीटेटिव शॉट मारने होंगे हमें इसमें। कार 98 की तरह नहीं है कि बार बार रीलोड करना पड़ेगा, एक ही बार में गन रीलोड हो जाएगा इसमें आपका। अरे मर भी जा भाई। ओ भाई बहुत खा गया भाई। अरे बहुत मार दिया यार, कितने मारूँ। ग्लॉड वाल खड़ा कर दिया भाई, मैं बचूंगा या नहीं भाई। चलो सक्सेसफुली मार दिया हमने भाई। मैं तो घबरा ही गया था, मैं सोचा कि मैं तो अब गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। पर सक्सेसफुली हमने दोनों को मार दिया भाई। ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत खतरनाक पॉइंट था गाइस, बहुत खतरनाक। ग्लॉड वाल ले लेते हैं, काफ़ी कुछ है इसके बैग में। और अभी कितने बंदे बच रहे हैं, मतलब हमने 9 किल कर दिया और 8 बंदे बच रहे हैं। बुया होने के पूरे चांसेस है गाइस, पूरे चांसेस है बुया होने के इधर। एंड अभी चलना होगा हमको थोड़ी दूर और आगे, और आगे चलते चलते कोई मिल जाए, बस यही उम्मीद करता हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि बस मिल जाए धीरे धीरे करके सभी लोग। और यहाँ पे कोई बंदा हमें मिल क्यों नहीं रहा है, मिल तो जाना चाहिए। अरे 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 अरे, एक बंदा यहाँ पे है एंड ये भी ख़त्म हो गया है। इसके शॉट्स वैसे लग नहीं रहे थे। यहाँ से भी कोई ना कोई बंदूक हमें मिल जाए, मतलब एमोज मिल जाए मेनली। एंड यहाँ पे सब कुछ हो गया है, यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने। और धीरे धीरे करके हमें आगे भी बढ़ना होगा। यहाँ पे क्या होता है एक बार जाके देखते हैं। और ये बंदा हमें मिल गया है।
पर मर तो नहीं रहा ना, इधर उधर भटक रहा है। ओके बचे हैं मात्र दो बंदे। यानी कि दो बंदे बचे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। मार देते हैं तो जीत जाएंगे हम लोग। सेफ जोन श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे करके यहाँ पे। बस एक जगह मिल जाए जहाँ पर हम रुक जाएं और सभी बंदों को मार दें, पर ऐसा पॉइंट हमें अभी तक मिला नहीं है। और दो बंदे तो बच ही रहे हैं फिलहाल, तो कैसे मारें इनको हम। यहाँ पर किसी ने यूएवी छोड़ा है और इनसे हमें बचकर भी रहना है। हमारी पोजीशन एक्सपोज हो सकती है औरों की तरफ। बस एक बार हमें सबसे टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचना है और देखना है बंदों को बहुत दूर से। टॉप ऑफ द माउंटेन अगर पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, सारे बंदों की तरफ मैं नज़र रख सकता हूं। तो एक बार चलते हैं उधर। थोड़ा मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मेरे लिए भी। कटाना लेके चलते हैं ठीक है। क्या पता कुछ बहुत ही अद्भुत हो जाए, मजा सा आ जाए एकदम। ओके टॉप ऑफ द हिल चलते हैं, टॉप ऑफ द हिल चलते हैं ऊपर बिल्कुल। अभी तक कोई बंदा मिला नहीं है, बट अगर मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई बंदा है नहीं, और थोड़े ऊपर चलते जोन श्रिंक होते ही मिल जाएगा। फिलहाल कितने बंदे बच रहे हैं यार, दो बंदे बच रहे हैं ना, अभी भी दो बंदे बच रहे हैं, पर मिल रहा नहीं है कोई भी। ओके ओके कोई बात नहीं है, बाहर निकलते हैं थोड़ी देर, मतलब थोड़ी दूर हम निकलते हैं और यहाँ पे भी कोई भी बंदा नहीं मिल रहा हमको। चलो भाई झेल लेंगे थोड़ी देर हम, और तो क्या है। अभी बंदा एक बच रहा है, मात्र एक बंदा बच रहा है और नहीं मिला है अभी भी, कहीं से भी आ सकता है वो, इसलिए पूरी तरफ नज़र रखना ज़रूरी है, हो सकता है ऊपर से ही आ जाए। हाँ यहाँ पे तो कोई बंदा मिल रहा नहीं है, तो क्या करें हम लोग, जाएं उस। वो रहा। एक दो और ये तीन, और ये ख़त्म हो गया गाइस। और हम लोग यहाँ पे पूरा मैच जीत चुके हैं और ख़त्म हो चुका है गाइस। और गाइस बस आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आई हो तो गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग मेरे तरफ से फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो नए नए गेम प्ले की ओर से, मतलब मैं जो भी गेम प्ले करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप लोगों को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए मेरे चैनल की ओर से। तो गाइस हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पर मिलते हैं, एंड टिल देन बाय एवरीवन। और बस ठीक है आज के लिए इतना ही था, मैं आप लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे मिलता हूँ अब।